हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिग बॉस में समय टॉप फाइव कौन है? देखिए, हम लोग को तो अचंबा हो रहा है, हंसी आ रही है। हम तो ये सोच रहे हैं कि बिग बॉस को नहीं शर्म आ रही है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। सबसे लूजर वाला जो सीजन गया है वो बिग बॉस का ये OTT 3 गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, मेन बिग बॉस में भी नहीं हुआ है, OTT पिछले साल वाला भी देख लीजिए नहीं हुआ है, उससे पिछले पहले वाले शो में भी इनसे तो बेहतर लोग थे। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम तो सोच के हंसी आ रही है। बिग बॉस को जरा सा भी शर्म नहीं आ रही कि भाई बिग बॉस जो टॉप फाइव होते हैं वो सचमुच टॉप फाइव होते हैं। इसमें है कौन? रणवीर शौरी, चलिए एक आपको एक्टर रखना था, आपने रख लिया। इसमें नेजी अभी भी सो रहा था, अभी हमने कल की वाली फीड आज दिखा रहे थे, उसमें भी दिखा रहे कुकड़ू को बज रहा है उसके लिए। साई केतन ने क्या किया? इसके साथ कटारिया, इसके साथ माँ बहन की गाली बकी एक बार, बस तीन हो गए। मकबूल, सना मकबूल, तो चलिए वो कटारिया के पीछे पीछे लग के गई, उसी को पीछे से अवेक्ट करने के लिए वोट कर दी। और लास्ट में क्या बताएं, भाभी जी कृतिका मलिक, हे भगवान। कृतिका से तो सारे ही बेस्ट थे, कृतिका मलिक से तो सारे ही बेस्ट थे। अरमान को भी निकाल दिया, कृतिका को छोड़ दिया। क्यों? कृतिका की पसंद आ गई है क्या बिग बॉस जी आपको? बच के रहिएगा कि बस जरा सा अच्छी दिखती है कहने पे तो विशाल को थप्पड़ पड़ गए। और इसी डर के मारे आपने शायद अरमान का साथ दे दिया, उसको नॉमिनेट भी, मतलब खाली नॉमिनेट किया, बाहर नहीं निकाला। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है इश्क हो गया इनको गोलू से। और कोई बात नहीं, हमको और कोई कारण नहीं नजर आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अभी जल्द हम रह रहे हैं कि कटारिया के एविक्शन से क्या क्या फर्क पड़ा है, अभी हम उसकी वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट।